स्टूडेंट्स वेलकम अगेन टू योर फेवरेट मैथ चैनल के डी द मैट्यूअर। टूडे वील टॉक अबाउट एक्सरसाइज 5.3 जो आपकी कैलकुलस चैप्टर 5 की है। तो जैसा कि आपको पता है अपनी 12th एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है जिसमें कि अपना चैप्टर 5 चल रहा है जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंशिएबिलिटी। क्लियर, तो उसी में हम आज बात कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन में 5.3 की। और आज अपने को सीखने को मिलेगा अस्पष्ट फलनों का अवकलन यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ इम्प्लिक्ट फंक्शंस। अब ये इम्प्लिक्ट फंक्शंस क्या होते हैं, देखिए जब आपको वाई की वैल्यू क्लियर एक्स के टर्म्स में दी होती है जैसे वाई इक्वल एक्स स्क्वायर तो इसको तो कहते हैं एक्सप्लिक्ट फंक्शन यानी स्पष्ट फलन। लेकिन जब ये मिक्स में दिए होते हैं जैसे मान लो इस तरीके से कोई वैल्यू लिखी हुई है, ये है ना, इस तरीके से कोई वैल्यू लिखी हुई है तो ये क्या है, मिक्स में है एक्स और वाई, है ना, तब ये होता है इम्प्लिक्ट यानी अस्पष्ट। तो आपको आज सारे फलन अस्पष्ट दिखाई दे रहे होंगे जिनमें एक्स और वाई मिक्स में दिए हुए हैं। इसमें बस ये ध्यान रखना है कि सारे डिफ्रेंशिएशन हमको एक्स के रेस्पेक्ट में करने हैं क्योंकि डी वाई डी एक्स निकालना है। लेकिन जहाँ भी वाई का जब आप करने जाओगे तो वाई का डिफ्रेंशिएशन हमेशा डी वाई डी एक्स होगा। क्लियर, ये चीज़ समझनी है। जैसे मान लो आपको वाई स्क्वायर का निकालना हो तो वाई स्क्वायर का निकालना हो तो कैसे निकालोगे, पहले तो वाई स्क्वायर का होगा 2y जैसे एक्स स्क्वायर का 2x होता है। लेकिन y वाले का करोगे आप तो dy dx आपको ज़रूर लगा देनी है क्योंकि फाइनली करना x के सापेक्ष ही था। तो ये कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पूरे 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पूरी एक्सरसाइज पर एक ही वीडियो में बात करेंगे, इसलिए आप बिल्कुल ढंग से देखें। इसमें अपने को दो ट्रिक सीखने को मिलेंगी बेटा, एक तो इम्प्लिक्ट फंक्शन यानी अस्पष्ट फलनों का अवकलन और दूसरी हम इनवर्स का सीखेंगे कि इनवर्स का कैसे करते हैं। तो चलिए विदाउट एनी टाइम वेस्ट सीधे स्टार्ट करते हैं। तो क्या कह रहा है, देखो ये सबसे पहले कह रहा है 2x प्लस 3y इक्वल साइन एक्स। जैसे ही कोई क्वेश्चन आए पहले आपको लिखना है डी डब्ल्यू आर टी एक्स। ठीक बच्चों, क्या लिखना है, डी डब्ल्यू आर टी एक्स। ये लिखते ही आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। डिफ्रेंशिएशन करने से पहले हर टर्म के आगे डी डी एक्स लग जाएगा कि सर ये डी डी एक्स क्यों लगता है। डी डी एक्स का मतलब होता है कि अब जो भी टर्म के आगे डी डी एक्स लगा है उसका होना है डिफ्रेंशिएशन। क्लियर, चलिए तो 2 × x का हो जाएगा 1 आपका, प्लस 3 × y का हो जाएगा डी वाई डी एक्स, और प्लस 2 ये साइन का आप जानते हो कोस एक्स होता है बच्चों, तो ये 2 × 1 2 उधर ले जाओ तो यहाँ हो जाएगा 3 × dy dx इक्वल 2 cos x − 2। ठीक है, ये तो 3 का इधर डिवाइड कर दो आप तो dy dx की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, 2 cos x − 2 और अपॉन में 3। ये आपकी वैल्यू हो गई किसकी, यहाँ पर सॉरी ये आपको दिखाई नहीं दिया होगा, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ये तो ये आपकी डी वाई डी एक्स की वैल्यू हो गई 2 cos x − 3। ठीक है, ये तो हो गया आपका पहला। अब चलते हैं दूसरे पर। दूसरा क्या है बच्चों, ये रहा, देखो सारे क्वेश्चन जितने भी मैं करा रहा हूँ आपको पहले पूरा वीडियो ढंग से देखना है, उसके बाद पूरा वीडियो में जो क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे कम समझ में आए उसका वीडियो रिपीट करके देखें उस क्वेश्चन को, और तीसरा फिर उसके नोट्स बनाएं तभी आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। चलिए नेक्स्ट, तो मैंने आपको क्या बताया था, पहले एक चीज़ तो लिखी देनी है डी डब्ल्यू आर टी एक्स, ये लिखते ही अपना डी डी एक्स लग जाएगा, तो पहले डी डी एक्स आप किस पर लगा देंगे, एक्स पर, प्लस 3 × अब डी डी एक्स बेटा किस पर लग जाएगा आपका, ये रहा वाई पर, और अब अपन डी डी एक्स किसका लगा देंगे, साइन वाई का। ठीक है, चलिए साइन वाई का, तो देखते हैं बच्चों क्या होगा पूरा सिस्टम। अब चलो 2 × x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो गया बच्चों, मैंने बताया था y का 1 मत कर देना, ठीक y का क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये यूं ही लिखा रहेगा डी वाई डी एक्स। और साइन वाई, देखो अब साइन वाई का कैसे करेंगे, पहले आपको साइन का करना है तो साइन का क्या होगा, कॉस, अब y का करना है तो y का होगा डी वाई डी एक्स, ऐसे एक एक करके। अब डी वाई डी एक्स आप इधर ले लो, ये तो उधर ले जाके कॉमन हो जाएगा, तो 2 × dy dx आप कॉमन लोगे तो उधर क्या बचेगा बच्चों, उधर बचेगा cos y माइनस, ये 3 उधर जाएगा माइनस का, तो ये आपकी dy dx की वैल्यू हो गई 2 upon
कॉस वाई माइनस थ्री। ठीक बच्चों, ये आपका मान हो गया किसका, डी वाई डी एक्स का। ठीक, ये आपके दो क्वेश्चन हो गए क्लियर, आराम से आप रिवीजन करते रहें बीच बीच में। चलो तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है। चलिए तीसरे क्वेश्चन पर जा रहे हैं बच्चों। तीसरे क्वेश्चन पर जाने के लिए भी वही लिख देना है पहले, डी डब्ल्यू आर टी एक्स। क्या मतलब होता है बेटा डी डब्ल्यू आर टी एक्स का, कि डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, चलिए अब डी डी एक्स लगा दो, हर एक टर्म में डी डी एक्स लगा दो, क्या हो जाएगा, ए इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस बी इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल। अब डी डी एक्स किसका लगाना बच्चों, ये रहा कॉस वाई का। ठीक है, अब चलो देखते हैं क्या होगा, ए इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो गया वन प्लस बी इंटू वाई स्क्वायर का क्या होता है बेटा, वाई स्क्वायर का होता है टू वाई इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल कॉस वाई का डिफ्रेंसिएशन। पहले कॉस का करोगे तो कॉस का तो होता है माइनस साइन, और वाई का करेंगे तो ये होता है डी वाई डी एक्स। ठीक है, चलिए अब थोड़ा ध्यान से देखना, आप इसको इधर लाएंगे और ए इंटू वन, ठीक, इसको ले जाओ उधर, तो आपका ए का गुणा एक में क्या होगा, ए उधर ले जाएगा माइनस का, ये डी वाई डी एक्स आप इधर ला के लेंगे कॉमन। ठीक, थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, डी वाई डी एक्स जब आप कॉमन लोगे इधर ला के तो क्या बचेगा आपका, कि इधर तो पहले क्या बच रहा था टू बी वाई, और उधर से साइन वाई इधर आएगा तो ये आपका प्लस का हो गया। तो अब आप अगर यहाँ से डी वाई डी एक्स की वैल्यू चेक करें तो ये बच्चों क्या हो जाएगी, माइनस का ए अपॉन ये क्या चल रहा है अपना टू बी वाई प्लस साइन वाई। ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो गई डी वाई डी एक्स की। ठीक बच्चों, आगे देखते हैं। हाँ बेटा, अगले तीन क्वेश्चन देखिए, फिर से इम्प्लिक्ट फंक्शन यानी अस्पष्ट फलन के फिर से आ गए। चलिए देखते हैं, और अब अगर आपने पिछली बार थोड़ा कम समझ में आया हो तो बिल्कुल ढंग से देखना, सारी चीज़ क्लियर होंगी। बस देखो थोड़ा दिक्कत उस बच्चे को आ रही होगी जिसके प्रीवियस फॉर्मूले याद नहीं है जिसको, है ना। तो आप क्या है कि ट्वेल्थ एनसीईआरटी के नाम से बेटा जो प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर चेक करना, है ना। उस प्लेलिस्ट में मैंने आपको डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले लिखवाए हैं, तो वो फॉर्मूले आप जब तक याद नहीं करोगे तब तक बेटा आपको प्रॉब्लम रहेगी। और अगर किसी को वो वीडियो नहीं मिले तो मुझे इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, मैं वो प्लेलिस्ट आपको सेंड कर दूँगा। ठीक है, ट्वेल्थ एनसीईआरटी के मैंने चैप्टर 2, 3, 4, 5 इनके कंप्लीट वीडियो बना दिए हैं, सब फॉर्मूले उसमें क्लियर हैं। तो थोड़ा सा आप इस तरीके से, या सॉरी ये आपको दिखाई नहीं दिया होगा, ये देखो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना, ये चैप्टर सब पूरे कंप्लीटली सॉल्व हैं तो इनकी प्लेलिस्ट मैं आपको सेंड कर दूंगा। चलिए बेटा बिना टाइम वेस्ट किए अपन सीधे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। क्या है फोर्थ क्वेश्चन, देखो बच्चों ये रहा। चलिए तो जैसे कोई भी क्वेश्चन आए बच्चों, सबसे पहले आपको डी डी एक्स लगा लेना है, और उससे पहले एक पॉइंट लिखना है जिसको कहते हैं डी डब्ल्यू आर टी एक्स। ये लिखते ही क्या होता है कि डी डी एक्स जो अवकलन का संकेत है वो आपका हर टर्म में लग जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स, और यहाँ पर बेटा डी डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, पूरी लाइन में क्या लग गया, डी डी एक्स। अब यहाँ देखो दो टर्म है, एक फर्स्ट है और एक सेकंड है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड के लिए बेटा मैंने आपको अलग से फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था, फर्स्ट एज इट इज डी डी एक्स किसका, सेकंड का, प्लस सेकंड एज इट इज और डी डी एक्स किसका बेटा, फर्स्ट का। या वाई स्क्वायर का कैसे करेंगे, वाई स्क्वायर का करेंगे तो टू वाई, और वाई का अलग से करोगे तो डी वाई डी एक्स हो जाएगा। भाई बाई वाले का जब भी करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना डी वाई डी एक्स तो आनी ही आनी है। यहाँ टेन एक्स का आपका सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये वाई का आपका डी वाई डी एक्स चल ही रहा है। क्लियर, अब थोड़ा एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं, एक्स इंटू डी वाई डी एक्स प्लस वाई, एक्स का आपका वन हो गया, प्लस टू वाई डी वाई डी एक्स, ये डी वाई डी एक्स उधर से इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और इक्वल में क्या चल रहा है अपना, ये चल रहा है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, चलिए अब आप डी वाई डी एक्स कॉमन लो इसमें से, इसमें से, इसमें से, तो डी वाई डी एक्स जब आप कॉमन लोगे
तो यहाँ क्या बच रहा है एक्स, यहाँ क्या बच रहा है टू वाई, और ये इधर से ये इसमें से क्या बचेगा माइनस वन। और अगर आप उधर देखें तो उधर क्या क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और ये वाई उधर से उधर जाएगी माइनस की हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया डी वाई डी एक्स का मान। तो अब देखते हैं फाइनल आंसर के लिए क्या करोगे। फाइनल आंसर के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है बच्चों, आपको ये उसके अपॉन में ले जाना है। तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस टू वाई माइनस वन। क्लियर, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों, ये हो गया अपना फोर। क्लियर हो गया, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, फाइव की तरफ, उसमें देखते हैं क्या सिचुएशन रहेगी। चलिए बच्चों फाइव को देख लेते हैं, फाइव क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने, देखो ध्यान से फाइव का क्या सिस्टम रहेगा, वही है। देखो हर क्वेश्चन को थोड़ा पॉज करके खुद भी करने की कोशिश किया करो, वीडियो पॉज करके एक बार आपको खुद भी ट्राई करना है क्वेश्चन को। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन ये रहा, तो पहले आप इसमें वही अपना पहले क्या लिखना है अपने को, पहले लिख देना है बेटा डी डब्ल्यू आर टी एक्स। ठीक है, डी डब्ल्यू आर टी एक्स, तो पहले तो अपन ने ये लिख दिया। उसके बाद फिर डी डी एक्स आपको हर एक टर्म पे लगा देना है, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल में ये 100 है तो इस पर भी डी डी एक्स लग जाएगा। अब सभी का डिफरेंशिएशन करेंगे है ना, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, अब यह है एक्स इंटू वाई, इसका देखो डी डी एक्स कैसे करना है फर्स्ट इंटू सेकेंड से, फर्स्ट ऐसे का ऐसा ही और डी डी एक्स किसका करेंगे वाई का, प्लस वाई ऐसे का ऐसा ही और डी डी एक्स किसका करेंगे बच्चों एक्स का। यहाँ वाई स्क्वायर का कैसे करना है, वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल करने के लिए क्या करेंगे बताओ, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y और फिर डी डी एक्स कर देंगे वाई का। वाई वाले में हमेशा ये जरूर ध्यान देना कि डी वाई डी एक्स जरूर लिखना है, और 100 का आपको पता ही है ये जीरो हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर एक लाइन बढ़ा लो पहले तब कोमल लेंगे, 2x प्लस एक्स इंटू डी वाई डी एक्स प्लस वाई, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में वन हो गया और ये है 2y इंटू यहाँ चल रहा है डी वाई डी एक्स। आप ये बताओ बच्चों इसमें और इसमें कॉमन क्या है, इसमें और इसमें कॉमन है डी वाई डी एक्स, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स प्लस 2y और ये 2x प्लस वाई है, उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का। तो अब आप अगर ढंग से देखें तो ये इसके अपॉन में जाएगा, तो डी वाई डी एक्स की जो फाइनल वैल्यू हो जाएगी वो आप लिख दो सिंपली माइनस का 2x प्लस वाई अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों एक्स प्लस 2y। क्लियर, ये आपकी वैल्यू हो गई किसकी डी वाई डी एक्स की। ठीक है, आगे चलेंगे। चलिए बच्चों आपको अब क्वेश्चन नंबर 6 बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, तो ध्यान से देखना 6 को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, और हर क्वेश्चन का बेटा नोट्स ज़रूर बनाना है बाद में। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करेंगे तो वही है अपना, पहले तो डी डी एक्स लगा दो, और उससे भी पहले क्या लिखना होता है अपने को, पहले लिखना है डी डब्ल्यू आर टी एक्स, यानी डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको लिखते ही आपका डी डी एक्स लग जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई क्यूब, और यहाँ भी बच्चों डी डी एक्स ऑफ ये 81। ठीक, हर एक पे मैंने क्या लगा दिया डी डी एक्स। अब थोड़ा ध्यान देना एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का कैसे करोगे, पावर आगे पावर में से एक कम 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई का बच्चों कैसे करेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड से, तो फर्स्ट यानी एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसा ही, और यहाँ डी डी एक्स ऑफ वाई हो गया प्लस वाई ऐसे का ऐसा ही, और डी डी एक्स किसका करना है एक्स स्क्वायर का। थोड़ा सा ध्यान देना फर्स्ट इंटू सेकेंड कैसे करते हैं बेटा, पहला ऐसे का ऐसा ही सेकेंड का डिफरेंशियल प्लस सेकेंड ऐसे का ऐसा ही फर्स्ट का डिफरेंशियल। अब यहाँ भी फर्स्ट इंटू सेकेंड करना है तो फर्स्ट ऐसे का ऐसा ही डी डी एक्स किसका कर देंगे वाई स्क्वायर का प्लस वाई स्क्वायर ऐसे का ऐसा ही और डी डी एक्स किसका कर देंगे एक्स का। ठीक है, ये
प्लस वाई क्यूब का बच्चों कैसे करोगे, पावर आ गए, पावर में से एक कम यानी 3y² हो गया और 81 का आपका 0 हो गया। ठीक है, अब इस पूरी लाइन को सॉल्व करना है ढंग से। देखो 3x² प्लस x² इंटू वाई का बच्चों क्या हो जाएगा, dy/dx प्लस वाई इंटू x² का डिफरेंशियल 2x हो गया। अब जैसे देखो x² का 2x हुआ, ऐसे ही y² का क्या होगा, 2y, लेकिन y का है इसलिए dy/dx जरूर लगानी है ना। तो y² इंटू x का मैंने आपको कई बार बताया x का 1 होता है, तो 1 को तो यहाँ लिखने का कोई फायदा है नहीं, प्लस 3y² = 0। ठीक है, यहाँ पर एक थोड़ा सा गलती हो गई बच्चों, क्योंकि ये मैंने वाई क्यूब का जब किया था तो वाई क्यूब का क्या होगा, 3y², ये तो ठीक है क्योंकि एक्स क्यूब का जैसे 3x² हुआ ऐसे वाई क्यूब का 3y², लेकिन वाई वाला टर्म है इसलिए इसमें साथ में dy/dx लगाना मत भूलो, dy/dx जरूर लगेगी है ना। अब ये देखो dy/dx वाले पद हैं कौन कौन से, एक तो ये है और एक ये है और एक ये है, इन तीनों में से आप dy/dx कॉमन लो। ठीक है, dy/dx कॉमन लेके बच्चों क्या क्या बचेगा, यहाँ x² आ गया आपका, वो आपका हो गया 2xy और ये आपका हो गया 3y². ठीक है, और बाकी तीन कौन से हैं, 3x², 2xy और y², ये उधर जाएंगे आपके माइनस के हो जाएंगे, 3x² माइनस के 2x, ये सॉरी माइनस आपने कॉमन ले लिया ना, तो वापस प्लस के लिख दो इनको। देखो कैसे, पहले तो ये तीनों उधर गए तो माइनस के होंगे, फिर माइनस कॉमन लोगे तो फिर तीनों प्लस के लिख जाएंगे, इसको इसके नीचे लिख दो तो dy/dx की वैल्यू आंसर आ जाएगा। तो dy/dx इक्वल माइनस का ये क्या चल रहा है आपका, 3x² प्लस 2xy प्लस y² और अपॉन में बच्चों ये क्या है, x² प्लस 2xy प्लस 3y². ठीक है, ये आपकी वैल्यू बच्चों किसकी हो गई, dy/dx की हो गई। आगे चलेंगे, देखो हर क्वेश्चन को आप खुद जब तक नहीं करके देखोगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन एक बार पूरा समझा दिया, अब आप इसको बिल्कुल दोबारा समझ के देखो फिर खुद करो आगे। हाँ तो बच्चों आगे देखते हैं 7th क्वेश्चन। अब देखो आपके पास दो ही क्वेश्चन बचे हुए 7th और 8th, फिर 9th से ट्रिक चेंज होगी, इसलिए जिस बच्चे को भी इम्प्लिक्ट समझना है, अस्पष्ट समझना है, उसके लिए ये दो चांस और हैं। तो मैंने क्या बताया था बच्चों, जब भी x और y मिक्स में हो तो डायरेक्ट आपको स्टार्ट कर देना है, कोई ट्रिक ज़्यादा नहीं है। पहले आपको क्या लिखना है, dw/rtx, ठीक, ये लिखते ही बेटा क्या होता है आपका dx लग जाएगा है ना, हर एक टर्म पे क्या लग जाएगा, dx। यहाँ देखना आपको डिफरेंशिएशन कैसे करना है, और यहाँ आपका dx जो है वो k पर भी लग गया है ना इस तरीके से। अब देखो साइन स्क्वायर वाई में बेटा तीन बार डिफरेंशियल है, पहले स्क्वायर का फिर साइन का फिर वाई का। तो पहले स्क्वायर का क्या होता है बेटा, पावर आगे और पावर में से एक कम यानी दो में से एक गया एक। अब dx यहाँ किसका होगा, साइन का, ठीक, ये तो अभी सिर्फ पावर का हुआ था। यहाँ कॉस का करते तो कॉस का होता है बेटा माइनस साइन, लेकिन कॉस का तो कर दिया, लेकिन अब dx आपको करना किसका पड़ेगा, अंदर वाले का यानी xy का, और k तो कांस्टेंट है तो इसका 0 हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, 2sin y इंटू साइन वाई, साइन का क्या हो गया cos y, लेकिन अब dx बच्चों किसका होगा, अब आपका y का होगा। यहाँ देखते हैं, ये तो आपकी लाइन चली रही है, यहाँ x इंटू वाई का करोगे तो ये फर्स्ट इंटू सेकेंड से होगा। फर्स्ट इंटू सेकेंड से कैसे करना है बच्चों बताओ, फर्स्ट ऐसे का ऐसा ही और dx सेकेंड का यानी y का, प्लस सेकेंड ऐसे का ऐसा ही और dx किसका, x का, ठीक है ये। अब चलिए इसकी लाइन खोल देंगे पूरी, तो देखते हैं क्या कैलकुलेशन बनेगी, 2sin y cos y इंटू dy/dx माइनस sin x y का अंदर गुणा करो तो x इंटू sin x y इंटू dy/dx, और यहाँ देखो x का तो अवकलन एक हो जाएगा और इसका अंदर ले जाओ तो ये हो गया माइनस का y sin x y = 0। इसमें और इसमें कॉमन क्या है बच्चों, कॉमन है dy/dx, कॉमन क्या है dy/dx है ना। तो क्या बचेगा बताओ, यहाँ बचेगा आपका 2sin y cos y
और माइनस में चल रहा है अपना एक्स साइन एक्स वाई, और ये जो माइनस का दिख रहा है ये उसको उधर ले जाओ प्लस का। अब आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आंसर आ चुका है, बस इसको इसके नीचे ले जाके लिख देना, बस और कुछ नहीं करना है। उससे आपको मिल जाएगी वैल्यू डी वाई डी एक्स की। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर। अब चलते हैं किस पर, 8 पर, ठीक है। चलो अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 को, और ये क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है बेटा इम्प्लिक्ट का, इसलिए ढंग से देखना है ना। तो कैसे करेंगे, पहले आपको पता है पहले तो अपने को क्या लिखना होता है, वही डी डब्ल्यू आर टी एक्स है ना, और ये लिखते ही बच्चों होगा क्या, डी डी एक्स आ जाएगा हर एक पद पे। ये आपका साइन स्क्वायर एक्स के आगे भी आ गया डी डी एक्स, यहाँ आपका डी डी एक्स आ गया किसका, कोस स्क्वायर वाई का, और यहाँ आपका डी डी एक्स आ गया किसका, वन का। तो यहाँ अब देखो कैसे करना है, पहले पावर का करेंगे, पावर आगे और पावर में से एक कम, और यहाँ डी डी एक्स करेंगे अब हम किसका, साइन एक्स का। यही सारा काम इधर होना है इस पर, कैसे, पहले पावर आगे, कॉस वाई आपका चल रहा है, और अब डी डी एक्स करेंगे किसका, कॉस वाई का, ठीक है। ये देखो पहले हमेशा पावर का होता है और फिर अंदर वाले का होगा। चलिए अब यहाँ वन का, तो ये तो कांस्टेंट है, वन का जीरो हो जाएगा। अब यहाँ देखना सिस्टम क्या रहेगा, टू साइन एक्स इन टू साइन एक्स का डिफरेंशियल हो गया कोस एक्स, और यहाँ देखना कैसे, टू कोस वाई आपका चल रहा है, कोस वाई का हो जाएगा माइनस के साइन वाई, और वाई का करेंगे तो वो हो जाएगा डी वाई डी एक्स। यहाँ एक फॉर्मूला ज़रूर ध्यान रखना जो आपने 11th में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, कि अगर कहीं भी टू साइन ए कोस ए आ जाए तो इसको हम इन शॉर्ट साइन टू ए लिख सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये आ रहा है टू साइन एक्स कोस एक्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन टू एक्स। यहाँ आ रहा है टू साइन वाई कोस वाई, इसको हम लिख सकते हैं साइन टू वाई, और इन टू में ये चल रहा है डी वाई डी एक्स इक्वल जीरो, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं सिस्टम क्या रहेगा, ये है माइनस का साइन टू वाई इन टू डी वाई डी एक्स, और ये साइन टू एक्स इधर प्लस का है, उधर जाएगा ये आपका हो गया माइनस का, माइनस से माइनस के ये अपॉन में ले लो। तो डी वाई डी एक्स की जो फाइनल वैल्यू अपने को मिली वो क्या हुई, साइन टू एक्स अपॉन साइन टू वाई, ठीक है। ये आपकी वैल्यू हो गई डी वाई डी एक्स की। ये हो गए अपने इम्प्लिक्ट फंक्शन, आगे चलेंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट एक चीज़ ध्यान रखनी है अपने को, कि अब जो है अपने को यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आएंगे वो अपने आएंगे इनवर्स से रिलेटेड, ठीक है। अब इनवर्स फंक्शन के क्वेश्चन आएंगे, ठीक। अब इस टॉपिक को कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के अवकलन, ठीक है। तो अब जो भी क्वेश्चन आएंगे इनवर्स आएंगे 9 से कहाँ तक, 15 तक। तो अब जो 7 क्वेश्चन आने हैं वो आपको ढंग से सीखने हैं। इस एक्सरसाइज में दो ही टाइप हैं, 8 क्वेश्चन तो थे किसके, इम्प्लिक्ट फंक्शन के यानी अस्पष्ट फलन के, और अब बचे 7 क्वेश्चन होंगे इनवर्स यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति के। तो इसमें करते क्या है, पहले इनवर्स को किसी फॉर्मूले से ख़त्म करना होता है, उसके बाद डिफरेंशियल करना है। कैसे, देखिए 9th को देखते हैं कैसे करेंगे। वाई इक्वल साइन इनवर्स दिया है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है ना। सबसे पहले आप एक काम करो बच्चों, x की जगह आप लेंगे यहाँ पर, x की जगह लिख दो tan a, ठीक। आप कहोगे क्यों सर tan a क्यों लिख दें, क्योंकि बच्चों यहाँ एक फॉर्मूला आपको 11th का ध्यान होगा कि साइन 2a का एक फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो अब क्या हिंट मिल रही है कि अगर मैं x की जगह tan a लिखूं तो आपको यहाँ साइन 2a मिल जाएगा, और साइन साइन इनवर्स को काट सकता है। अब आप कहोगे सर बाद में a बचेगा, उसकी वैल्यू कहाँ से लाएंगे, तो a की वैल्यू ऐसे लाएंगे कि tan को जब आप इधर x को दोगे तो लास्ट में a की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x, tan इधर आएगा तो इनवर्स लग जाएगा। अब ये a की वैल्यू अभी नहीं रखनी है, ये बाद में रखनी है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं एक बार, देखो क्वेश्चन दोबारा से लिख लेता हूँ मैं। क्वेश्चन क्या है, y इक्वल साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही है ना बच्चों। अब y इक्वल साइन इनवर्स, अब ढंग से देखना, तो 2x की जगह मैंने क्या बताया था, क्या रखना है tan a,
अपॉन में वन प्लस एक्स की जगह आपका टेन स्क्वायर ए चल रहा है, यहाँ वाई इक्वल साइन इनवर्स टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन टू ए। तो साइन से साइन इनवर्स जाएगा, यहाँ बचेगा बच्चों टू ए, और मैंने बताया था ए की वैल्यू वापस रख देनी है, ए की वैल्यू वापस रख देनी है। ए की क्या वैल्यू है बच्चों, ये रही टेन इनवर्स एक्स। आप कहोगे सर ये एक्सरसाइज तो डिफरेंशिएशन की है, अवकलन की है, तो अभी तक अवकलन तो हुआ नहीं, तो इनवर्स वाले में यही समझना है अपने को कि पहले क्वेश्चन को अपने को इजी करना है। जैसे आप देख रहे थे जो क्वेश्चन इतना लेंदी था उस क्वेश्चन को हमने बिल्कुल ये शॉर्ट कर दिया, तो पहले क्वेश्चन को इजी करना है, उसके बाद उसका डिफरेंशियल करना है। अब डिफरेंशियल करेंगे तो डिफरेंशियल के लिए तो आपको पता है पहले क्या लिखते हैं, डी डब्ल्यू आर टी एक्स, और ये लिखते ही डी डी एक्स जो अवकलन का संकेत है वो अपना दोनों तरफ लग जाता है ना, ये दोनों तरफ आ जाता है। तो टू इंटू टेन इनवर्स का क्या होता है बच्चों, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये अपना फाइनल आंसर आ गया इसका, है ना। आगे देखते हैं, कम भी समझ में आया हो तो कोई बात नहीं, अभी छः क्वेश्चन और आने बेटा इनवर्स के ही। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, वाई इक्वल टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये जो चीज़ होती है इसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है आपके लिए, आपको केवल डिफरेंशिएशन सीखना है, बस इस पे ध्यान दो आप। ये तो केवल ये दिया होता है कि एक्स की किस वैल्यू के लिए यह फंक्शन डिफाइन होगा, लेकिन वो आपसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ ध्यान रहे बच्चों, एक फॉर्मूला होता है टेन थ्री ए का, क्या होता है ये होता है थ्री टेन ए माइनस टेन क्यूब ए अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए। कि सर ये फॉर्मूला कब पढ़ाया गया था, ये बेटा पढ़ाया गया था टेंथ में और इलेवेंथ में, है ना। तो इलेवेंथ का फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है। चलिए अब देखो, अगर आपको ये फॉर्मूला यहाँ सेट करना है तो आपको दिख रहा होगा एक्स की जगह टेन ए लिखना पड़ेगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, लेट एक्स इक्वल टेन ए, एक्स की जगह टेन ए मान लेते हैं, और ये ध्यान रहे जब ये टेन इधर आएगा तो ए की वैल्यू आपको लिख देनी है टेन इनवर्स एक्स, लेकिन ये अभी का काम नहीं है, ये लास्ट में लिखनी है। ठीक है, चलो अब ये जो एक्स की जगह टेन ए है वो आप इस क्वेश्चन में डाल दो। चलो क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टेन इनवर्स थ्री एक्स की जगह बच्चों क्या हो जाएगा टेन ए माइनस टेन क्यूब ए अपॉन वन माइनस थ्री एक्स की जगह टेन है तो ये टेन स्क्वायर ही है। यहाँ देखना बच्चों क्या होगा, वाई इक्वल टेन इनवर्स, अब थ्री टेन ए माइनस टेन क्यूब अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर है, तो ये वैल्यू आपकी किसकी आ गई, यहाँ देखो ये आ गई टेन थ्री ए की। अब कि सर इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि टेन तो टेन इनवर्स को खा जाएगा, आपका बचेगा थ्री ए। अब यहाँ आप ए की वैल्यू वापस कर देंगे, ए की वैल्यू क्या थी आपकी टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, और यहाँ अपने को अब लिख देना है डी डब्ल्यू आर टी एक्स। ये लिखते ही क्या होता है बेटा, दोनों डिफरेंशिएशन आता है, यानी डी डी एक्स लग जाता है। अब आपने देखा होगा इस क्वेश्चन में हमने क्या किया कि पहले तो हमने इस क्वेश्चन को बिल्कुल जो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा था उसको ये देखो मैंने बिल्कुल ईजी में बदल दिया है ना, और अब हम उसको डिफरेंशियल कर रहे हैं जो कि आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला हमको याद है कि वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। देखो सारी बात बेटा फॉर्मूले की है, जब तक आप फॉर्मूले याद नहीं करोगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं, और फॉर्मूले याद करने के लिए आपको 5.2 एक्सरसाइज का पार्ट वन प्ले लिस्ट में से सर्च करना पड़ेगा, उसमें 50 फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे। और अगर आपको नहीं भी सर्च करने पर मिले तो बेटा मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करो, वैसे ये व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। क्लियर, आगे चलते हैं। चलिए एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने बेटा, कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप सोच रहे होगे सर इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें बेटा एक फॉर्मूला होता है कॉस टू ए का टेन के पदों में। ये कोई देखो फॉर्मूले जो मैं लिख रहा हूँ बेटा ये कोई विशेष फॉर्मूले नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं, सब इलेवेंथ की बुक में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वैसे मैं तो यहाँ लिखा ही रहा हूँ आपको, और इस 5.3 को करने से पहले आपको दो काम जरूर करने हैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। एक तो 5.2 पूरी पढ़नी है, और एक आपको जो चैप्टर 2 था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये दो चैप्टर प्लेलिस्ट में से आप देख लेना,
तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। चलिए देखते हैं आगे। तो अब जैसा कि आपको दिख रहा है, फिर से हमें x की जगह वही tan ही लिखना है। x की जगह जैसे अगर मैं tan ही लिखूँगा बच्चों, तो लास्ट में आपको एक ही वैल्यू मांगेगा, तो tan इधर ले जाना, तो वो tan इनवर्स x हो जाएगा। ये अभी का काम नहीं, लास्ट का है। चलो पहले आप यहाँ x की जगह क्या लिख दें, tan a, तो क्या लाइन बनेगी बताइए, y इक्वल cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है ना। तो यहाँ y इक्वल cos इनवर्स, तो 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये बच्चों cos 2a हो जाएगा, cos cos इनवर्स को खा जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2a, और a की वैल्यू क्या है, ये रही आपकी tan इनवर्स x। अब आप इसका डिफरेंशियल करोगे तो पहले आपको क्या लिखनी पड़ेगी, dwrtx। ये लिखते ही बच्चों आपका dy dx दोनों तरफ लग जाएगा, क्या लग जाएगा दोनों तरफ, dy dx। तो आप इसका डिफरेंशियल करोगे तो tan इनवर्स x का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक। तो तीनों क्वेश्चन में आपने देखा एक ही सब्स्टिट्यूशन था कि x की जगह tan a। बस ये जो फॉर्मूले हैं स्टार्टिंग के, ये हमको क्वेश्चन देख के पहचानना आना चाहिए। आगे चलते हैं। यहाँ बच्चों देखो, 12th में क्या है, थोड़ा सा समझने का पॉइंट है ना। समझने का पॉइंट क्या है, पहले इसी क्वेश्चन में साइन इनवर्स, पहले इसमें कॉस थी, अब यहाँ साइन है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, वही ट्रिक लगेगी, वही सब कुछ होगा, है ना। लेकिन बस एक चीज़ हमें फॉर्मूला ये ध्यान में रखना है कि कभी भी साइन इनवर्स एक्स आए तो उसको आप पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, फिर ये वही क्वेश्चन आ जाएगा। अब आप कहोगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, ये बेटा चैप्टर 2 का फॉर्मूला है, चैप्टर 2 में आप एक बार वीडियो जाके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसीलिए मैं पहले वाले क्वेश्चन में भी कह रहा था कि पहले आप चैप्टर 2 और चैप्टर 5 को एक बार शुरू से पढ़ो। चलो देखते हैं, तो यहाँ वाई इक्वल क्या हो जाएगा, देखना सिस्टम क्या बनेगा बच्चों यहाँ पर, है ना। देखो साइन इनवर्स को आप लिख सकते हैं पाई वाई टू माइनस कोस इनवर्स, और जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने x की जगह tan a लगाया था, वो भी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, है ना। x की जगह tan a, पिछले क्वेश्चन से देख लेना, x की जगह हमने tan a लगाया था, और लास्ट में अगर a का मान पूछे तो tan इधर दे देना, a की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x। अब आपको पिछले क्वेश्चन से ध्यान होगा कि ये जो अंदर फॉर्मूला बन रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, इसको मैंने क्या लिखा था, cos 2a। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो कॉस तो कॉस इनवर्स को खा जाएगा, और ए की वैल्यू ये रही क्या है, टेन इनवर्स एक्स। अब आप इसका डिफरेंशियल करेंगे, उससे पहले आपको डी डब्ल्यू आर टी एक्स लिखना है, और ये लिखते ही बेटा डी डी एक्स जो अवकलन का संकेत है आपका, वो सभी पदों में लग जाएगा, माइनस का टू, और यहाँ डी डी एक्स किसका हो गया, टेन इनवर्स एक्स का हो गया। तो यहाँ बेटा पाई बाई टू का डिफरेंशियल तो जीरो हो जाएगा, और टेन इनवर्स का आपका वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ आपके आंसर आ जाएगा, ये थोड़ा सा सॉरी, हाँ चलिए, यह आंसर आ जाएगा फाइनल, माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो वही क्वेश्चन है, कहने का मतलब बस थोड़ा सा उसने कॉस की जगह साइन लिख दिया, तो हमने कोई दिक्कत नहीं, साइन से कॉस में बदल लिया। आगे चलते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो कॉस इनवर्स में सर है ही नहीं कोई फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला होता है एक साइन टू ए का टेन के पदों में, क्या लिखवाया था मैंने, अरे भाई ये कोई नई चीज़ नहीं है, नौवां क्वेश्चन देख लेना, वही है टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। लेकिन आप कहोगे सर या तो हमें कॉस इनवर्स कैंसिल करना है तो अंदर तो कॉस होनी चाहिए, और आप तो साइन का फॉर्मूला बता रहे हो, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, हम इस कॉस को साइन में बदल सकते हैं। कॉस को साइन में देखो कैसे बदलोगे, कॉस इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, जैसे हमने इससे पिछले क्वेश्चन में लिखा था। चलिए ठीक है, तो कॉस इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह ये पूरा है और इसमें एक्स की वैल्यू रख दो। क्या रखनी है आपको एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू हमें रखनी है वही टेन ए, ठीक है, और टेन को इधर ले जाओगे तो लास्ट में ये वैल्यू वापस भी कर देना, क्या है टेन इनवर्स एक्स, लेकिन ये तो लास्ट का काम है। चलिए खैर अब यहाँ आ जाओ, एक्स की जगह क्या लिखना है, टेन ए, क्यों लिखना है, फॉर्मूला बनाने के लिए, टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है बच्चों,
वाई इक्वल पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स। आप ये देखो टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर है, ये बेटा किसका फॉर्मूला है, साइन टू ए का। तो साइन किसको खा जाएगा, साइन इनवर्स को, और यहाँ अपनी ए की वैल्यू आएगी, ये टू इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू ये रही टेन इनवर्स है एक्स। अब यहाँ हम इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो पाई बाई टू का बेटा क्या हो जाएगा, जीरो, और माइनस टू इंटू टेन इनवर्स का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, ये आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, साइन इनवर्स टू एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। देखो अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था साइन टू ए का, साइन टू ए का बताया था टू साइन ए कॉस ए, है ना। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ लगाना चाहूँ तो आप देख रहे हो कि मिलता जुलता बिल्कुल सीक्वेंस बन रहा है। तो एक्स की जगह हमें क्या लिखना है, साइन ए। एक्स की जगह जैसे ही हम साइन ए लिखेंगे तो लास्ट में वो हमसे ए का मान भी मांगेगा, तो ए का हो जाएगा साइन, इधर दे दो साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ बच्चों चलिए क्या हो जाएगा, वाई इक्वल साइन इनवर्स, आप देखोगे यहाँ लाइन क्या बन रही, टू एक्स की वैल्यू क्या है, साइन ए, और रूट वन माइनस एक्स की जगह ये साइन ए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ बच्चों वाई इक्वल साइन इनवर्स, ठीक है, अब यहाँ आपका आ जाएगा टू साइन ए इंटू रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस ए, ठीक, ये तो आपको पता ही है टेंथ का फॉर्मूला है। तो टू साइन ए कॉस ए, ये देखो बन गया साइन टू ए। अब ये बताओ ये जब साइन टू ए बन चुका है तो साइन किसको खाएगा, साइन इनवर्स को, तो बचेगा क्या टू ए, ए की वैल्यू ये वापस कर दो, क्या है साइन इनवर्स एक्स। इसे कहते हैं फंक्शन को सिंप्लीफाई करना। अब होगा डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन के लिए तो पहले हमें क्या लिखनी है, डी डब्ल्यू आर टी एक्स, और ये लिखते ही हमको डी वाई डी एक्स लगा देना है, यहाँ भी डी डी एक्स लगेगा। और साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हमारे लिए कोई नया नहीं है बच्चों, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका दो इन दो एकम दो, और ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर, ये तो इस तरीके से ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। आगे चलते हैं। हाँ बेटा, तो अगला क्वेश्चन आ गया, देखो sec इनवर्स वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। यहाँ एक चीज़ समझने की है कि इलेवेंथ में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि कहीं भी टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन आ जाए तो ये होता है कॉस टू ए। आप कहोगे सर आप तो फॉर्मूला कॉस का बता रहे हो, यहाँ तो sec इनवर्स है तो sec लानी है। अरे बेटा, तो नीचे अगर कॉस आ जाएगी तो वन अपॉन कॉस sec हो जाएगा, तो sec से sec इनवर्स चला जाएगा। तो x की जगह आपको यहाँ ये फॉर्मूला बनाने के लिए cos लिखना है, और लास्ट में जब वो आपसे a का मान मांगेगा तो cos उधर दे देना, तो cos इनवर्स x लिखा जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन में, y इक्वल sec इनवर्स। आप ये देखो बच्चों वन अपॉन टू एक्स की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू आपकी cos है, ये हो जाएगा टू cos स्क्वायर a माइनस वन। y इक्वल sec इनवर्स वन अपॉन टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, ये आपका हो गया कॉस टू ए, ठीक है। वन अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों, वन अपॉन कॉस होता है sec, sec sec इनवर्स को खा जाएगा, ए की वैल्यू वापस कर दो, क्या है ए की वैल्यू, कॉस इनवर्स एक्स। अब अवकलन करने के लिए डी डब्ल्यू आर टी एक्स लिखेंगे, तो दोनों तरफ बच्चों हमारा लग जाएगा डी डी एक्स, ठीक है। अब कर दो डिफरेंशिएशन, डी वाई डी एक्स इक्वल, आप ये बताइए कॉस इनवर्स एक्स का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था बच्चों, कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन बताया था माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो ये थी अपनी एक्सरसाइज 5.3 सॉरी ये, और बाकी चैप्टर आपको पढ़ा दिए गए हैं 2, 3, 4, 5, और इनके वीडियोज़ के लिए आप प्लेलिस्ट मुझसे मांग लें, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप मुझे व्हाट्सएप टेलीग्राम कुछ भी कर सकते हैं। चलिए बच्चों, तो कल बात होगी 5.4 की, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बेटा नोट्स बनाएं और दूसरे बच्चों को भी वीडियो एक बार ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।